हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम लोग 10th क्लास का 4.2 चैप्टर का 1 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने बोल रहा आप। 1 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है, x²-3x-10=0। इसको गुणनखंड विधि से बनाने बोल रहा है। अब गुणनखंड विधि देखिए क्या होता है, x²-3x-10=0। देखते हैं 10 को x² के गुणांक के साथ गुणा करना है, तो 10 को x² का गुणांक कितना है, 1 है, कुछ नहीं रहता, इसका मतलब 1। तो 1 को फिर 10 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 10। अब हमको 10 को एलसीएम करना है, इसका एलसीएम में कितना आएगा, इसका गुणांक कितना कितना आएगा, तो देखते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 5, 10 का गुणांक को गुणा करके 10 लाना है और जोड़ घटाव करके 3 लाना है, तो मेरा गुणांक आया 2 और 5, 5 × 10 और जोड़ घटाव करने से 3, तो 5 में अगर 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, तो इसका गुणांक हो जाएगा x²-5x, क्योंकि बड़ा का चिन्ह मेरा माइनस है, यदि इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, घटा दिए तो 3 आया, तो यहाँ मेरा 3 आया है, तो इसलिए इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। -10, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, बड़ा का चिन्ह माइनस है इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह आया है, =0। अब इसमें से हमको कॉमन लेना है, यहाँ x² है, यहाँ -5x है, इसमें कॉमन कौन आ जाएगा, देखते हैं, x × x, ये x² हो गया और यहाँ 5x है, तो 5 × x, कॉमन इसमें कौन आएगा, यहाँ x है और यहाँ x है, इसलिए एक कॉमन आ जाएगा x, तो एक x अंदर में रहेगा, माइनस यहाँ x है और यहाँ 5x है, इसलिए 5 से गुना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ है 2 × x और यहाँ है 10 है, तो फिर 2 × 5, यहाँ कॉमन आ जाएगा 2, इसमें 2 कॉमन आएगा, x − 5 को 2 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा, =0। अब जो बाहर में है उसको एक बार लिखते हैं, x + 2, और जो अंदर में है उसको एक बार लिखेंगे, x − 5 = 0, x + 2 = 0, तो x = हो जाएगा, ये प्लस में 2 इधर है, इधर आके -2 हो जाएगा, उसके बाद x − 5 = 0, x = -5 इधर है तो इधर आके +5 हो जाएगा, यानी x = 5। क्या है क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा आंसर, अतः इस द्विघात समीकरण का मूल, समीकरण का मूल क्या क्या है, -2 और 5 है,
इस द्विघात समीकरण का मूल -2 और 5 है, यही आंसर हो जाएगा।